अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था। देश हमें आंखें दिखाता था, वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। पूर्णिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो निशाने पर भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले तो जहां तहां धमाके होते थे, कोई भी बड़ी घटना को अंजाम देकर के आसानी से निकल के चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पहले हमारे जो जवान थे वो हर दिन जो है सीमा पर शहीद हो रहे थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद से इस पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जो पहले हमें आंख दिखाता था, आज वो कटोरा लेकर के दुनिया भर में घूम रहा है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बिना नाम लिए हुए हमला बोला है बिहार के पूर्णिया में। पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलित वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए, अब वो बीमारी को छुपाए नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो मोदी बैठा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे। आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा, पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था। आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया, आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो
जो संविधान को समर्पित है, आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये गमंडिया गठबंधन वाले क्या कहते थे? ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है। साथियों, कल रामनवमी का पवित्र त्यौहार भी है। ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे, बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। अब कुंठा में गिरे ये कांग्रेस के लोग, गमंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। गमंडिया गठबंधन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। 26 अप्रैल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं।